महाराज महाराज, मुझे लगता है कि चोरी की सजा के लिए इसके दाहिने हाथ की उंगली काट देनी चाहिए, जिससे वो कभी चोरी नहीं कर सकेगा। और इस सजा को देखकर कोई भी चोर चोरी करने से घबराएगा। मंत्री सूर्य सिंह, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो उसे प्रायश्चित का मौका देना चाहिए। अगर सारे लोग बेकार हो जाएंगे तो इस दुनिया में लोग काम कैसे करेंगे? तो आप क्या सोच रहे हैं महाराज? मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 6 महीने तक इस चोर को खेती बाड़ी करनी होगी और वो सारे पैसे लौटाने होंगे जो इसने चोरी किए हैं, और यही इसकी सजा होगी। और इसे ये भी सीख मिलेगी कि बिना चोरी किए कैसे जिंदा रहा जाता है। सही कहा ना? महाराज देव वर्मा की जय हो। प्रणाम सन्यासी, आसन ग्रहण कीजिए। आयुष्मान भव। महाराज, आज मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। बोलिए सन्यासी जी। वो ये है कि मैं एक मुक्ति आश्रम स्थापित करना चाहता हूँ, किंतु उसके लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास एक जादुई फल है। महाराज, उस फल के बदले अगर आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो आपका उपकार होगा। वो जादुई फल आपके हर समस्या का समाधान करेगी। बिल्कुल, महामंत्री राज भंडार में से सन्यासी जी को 1000 सोने की मुद्राएं दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, ये लीजिए आपका जादुई फल। अब मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। महामंत्री, आज का खाना तो कल के खाने से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। महाराज, खाना बनाने वालों को खुश रखने के लिए आप हर दिन ये बात बोलते हैं, लेकिन हमारा खाना सचमुच अच्छा होता है। काम करने वालों की अगर तारीफ नहीं करेंगे तो काम में उन्नति कैसे होगी? महाराज, एक ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आए हैं। महाराज, वो बहुत रो रहे हैं। महाराज, अभी तो मैं ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। महाराज महाराज महाराज, आप मुझे बचा लीजिए। महाराज, आप मुझे बचा लीजिए। अगर आप मुझे अपना दुख बताएंगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। मेरी पत्नी बहुत बीमार है महाराज, बहुत उपचार कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। महाराज, आप ही कोई उपाय निकालिए। ठीक है, फिर आप यहीं रुकिए। महामंत्री, सिपाही से कह दो वो जादुई फल पंडित जी को दे दे। ये जादुई फल लीजिए। ये फल आपकी बीवी के बिस्तर के पास रखिएगा, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है महाराज, आपका मंगल हो। लेकिन महाराज, 1000 स्वर्ण मुद्राएं? महामंत्री, किसी के प्राण की रक्षा के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरे लिए तुच्छ है। एक ब्राह्मण की बीवी मौत के मुख से वापस आ जाए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। वाह, चारों ओर देखो कितनी हरियाली ही हरियाली है और कितनी सुंदर हवा बह रही है। ये देखकर ही मेरा तो मन भर गया। मेरे राज्य में सभी लोग शांति और समृद्धि से रह रहे हैं। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल महाराज, आपके राज्य में सभी खुशी खुशी रहते हैं महाराज, और ऐसे मनोहर दृश्य में सभी प्रफुल्लित हो उठते हैं। आपका कल्याण हो। महाराज, मुझे कहीं से पता चला है कि आपने मेरे जादुई फल को किसी ब्राह्मण को दान में दिया है। हाँ सन्यासी जी, पंडित की पत्नी के जीने के कोई आसार नहीं थे। अगर आपको वो जादुई फल वापस पाना है तो आपको किसी भी कीमत पे मेरे मुक्ति आश्रम आना होगा, लेकिन इस बार आपको कोई मूल्य नहीं चुकाना है। ठीक है, मैं अब आश्रम के लिए निकल पड़ता हूँ। देखता हूँ कि मुझे वो जादुई फल मिलता है या नहीं। Thank you.
अरे यहाँ कोई है? मुझे कोई मुक्ति आश्रम का रास्ता बताओगे? कौन हो तुम? मुक्ति आश्रम का रास्ता बहुत मुश्किल है, वहाँ पहुँचना भी कोई आसान नहीं है। मैं राजा देव वर्मा, मैं कोई भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? वो देखो समुद्र के बीच में जो मंदिर दिख रहा है ना, वही है तुम्हारा मुक्ति आश्रम, और वहाँ एक ही नाव जाती है। अगर तुम्हें अपनी जान को दाव पर लगाना है तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझे सारी शर्तें मंजूर है, तुम मुझे बस ले चलो भाई। ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आओ बैठो नाव में। आप सन्यासी शुद्धोचित से मिलने जा रहे हैं क्या महाराज? आप कभी उनसे मिले? पर आप मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई? आपने मुक्ति आश्रम के बारे में पूछा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आश्रम उनका ही है, सिर्फ उसी आश्रम में जादू फल मिलता है। मैं जादुई फल लेने जा रहा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? मैंने तो किसी से नहीं कहा था। इस नदी में मैं अकेला ही नाव चलाता हूँ, मुझे सब पता है, सब कुछ जानता हूँ मैं राजन, सब कुछ जानता हूँ। जय महाकाल, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बचाओ ऊपर वाले, मुझे बचा लो, इस दरियाई लहरों से मुझे बचा लो। ये मैं कहां पहुंच गया? ये जगह तो कितनी शांत है, इसका मतलब मैं आश्रम पहुंच गया। यही होगा मुक्ति आश्रम। वो देखो ये सामने जो है वही होगा महाकाल का आश्रम, मुझे अभी अंदर जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? अनुमति के बिना इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मैं राजा देव वर्मा हूँ, और राजा को मंदिर में प्रवेश के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, मुझे महाकाल का दर्शन करना है। मेरी आंखें जल रही है, हे महाकाल तुम ही मेरी शक्ति हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्रणाम सन्यासी जी, क्या यही है मुक्ति आश्रम? हाँ महाराज, यही मेरा मुक्ति आश्रम है। सन्यासी शुद्ध चित्त, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैं जादुई फल यहाँ प्राप्त करने के लिए आया हूँ। वो एक दुर्लभ फल है जिसे पाने के लिए आपने हजारों कष्ट सहे हैं, इसलिए आज आप मेरे अतिथि हैं, इसीलिए जादुई फल आपका पुरस्कार है। वाले, तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी अब? क्या हुआ कन्या, तुम कहाँ से आई हो? मैं राजा देव वर्मा के राज्य की प्रजा हूँ, मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, मेरे पति ने मुझसे शादी करके मुझे सहारा दिया था, और आज वो भी मुझसे दूर हो गए। अब मैं कैसे जीऊंगी? कौन देखेगा मुझे? उनके बदले मेरी मौत क्यों नहीं आ गई? ये तो मेरी ही राज्य की प्रजा है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। सुनो कन्या, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, मैं ही राजा देव वर्मा हूँ, तुम मेरे राज्य की प्रजा हो तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा दायित्व है। तुम ये फल ले लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। फल? फल लेकर मैं क्या करूँगी महाराज? ये एक जादुई फल है, इस फल के गुण से तुम्हारा मृत पति फिर से जीवित हो जाएगा। राजा देव वर्मा, तुम्हारे त्याग की कहानी कोई तुलना नहीं है। 1,000 सुवर्ण मुद्रा के बदले
एक जादुई फल मिला, वो भी तुमने एक ब्राह्मण को दे दिया। वो कहानी हमें पता चली, परंतु विश्वास नहीं कर पाए। इसीलिए फिर से हम तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहते थे, इसी कारण हमने सन्यासी शुद्धचित्त को तुम्हारे पास भेज दिया। और इस बार तुमने अपनी जान की बाजी लगा के जो फल प्राप्त किया था, वो भी एक दुखी औरत को दे दिया था, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। ये देखकर हम भी अचंभित हो गए। तुम्हारे त्याग की कोई तुलना नहीं है, तुम धन्य हो, धन्य। जाओ राजन, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे राज्य में कोई भी इंसान कभी दुखी नहीं होगा। तुम्हारे राज्य के प्रजा तुम्हें एक श्रेष्ठ राजा मानकर हमेशा सम्मान करेंगे।